हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैंने बनाए हैं छोले भटूरे और तड़के वाली हरी मिर्च। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और मेरी कुछ ट्रिक्स हैं छोले भटूरे बनाने के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो सबसे पहले जब हम छोले को गला के रात भर के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं सुबह इनको उबलने के लिए रख रही हूँ। तो इसमें मैंने एक चुटकी सोडा डाला है। सोडा डालने से आपके जो छोले हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और छोले को काला करने के लिए, एकदम रेस्टोरेंट जैसे काले काले छोले जो बनते हैं, उसके लिए आप इसमें अनार के छिलके डाल सकते हैं। ये मेरी एक सीक्रेट ट्रिक है। तो अनार के छिलके डालने से आपके छोले का रंग एकदम काला हो जाएगा। साथ में मैंने एक आलू डाला है। तो अगर आपकी ग्रेवी गाढ़ी ना हो तो इसलिए आप बाद में आलू ऐड कर सकते हैं। ये देखिए छोले उबल गए हैं, मैंने इसमें 4-5 सीटी लगा ली हैं। एकदम कितने अच्छे काले हो गए हैं हमारे छोले। तो अगर आप, बहुत से लोग चाय की पत्ती डालते हैं छोले बनाते टाइम, तो उससे उसका कलर चेंज हो जाए, काले हो जाए वो, तो ये सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब हम भटूरे की तैयारी कर लेते हैं। भटूरे के लिए मैंने लिया है मैदा 1 कटोरी, साथ में मैंने सूजी डाली है 1/2 कटोरी। ये सूजी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो मत डालें। साथ में नमक, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और दही डाल के मैं अच्छे से ये आटा मार लूँगी। तो छोले वाली ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर थैंक्स या फिर कमेंट सेक्शन में बताएं कि अनार के छिलके वाली ट्रिक आपको कैसी लगी। तो छोले बनाते टाइम कई लोग आंवले के टुकड़े और चाय पत्ती डालते हैं ताकि छोले का जो कलर है वो काला हो जाए, एकदम रेस्टोरेंट जैसे छोले बन के तैयार हो। तो अगर आपके पास वो नहीं है, अनार के छिलके डाल दीजिए आप, उससे भी कलर एकदम चेंज हो जाएगा। अनार के छिलके नहीं है आपके पास तो फिर आप उसमें आंवले का पाउडर डाल सकते हैं या फिर आप करी पत्ता डाल सकते हैं या फिर आप तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। तो ये अब हम भटूरे की तैयारी हमने कर ली है। भटूरा बनाने के लिए भी आपको एक मैं सीक्रेट ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपके पास दही नहीं है भटूरे के लिए तो आप छाछ में भी आटा मार सकते हैं भटूरे का, एकदम आपके भटूरे वैसे ही बनेंगे जैसे दही के साथ आटा मारने पर बनते हैं। तो ये दोनों ट्रिक मेरी आप फॉलो करके देखिए और मुझे बताइए आपके काम आए या नहीं आए। तो इस तरह से अब हमने दही वही डाल के अच्छे से आटा मार लिया है और थोड़ा सा पानी और डाल के मैं अच्छे से आटा स्मूथ कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है, पूड़ी जैसा आटा मार के तैयार करना है। और इसको फिर हम ढक के रख देंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की है, तो इसको थोड़ा सा फूलने के टाइम देंगे। सूजी जो है फूल जाती है, तो इसीलिए लगभग 1/2 घंटे के लिए इस आटे को मैं ढक के रख दूंगी। तब तक हम छोले बना लेंगे। छोले बना लेते हैं। छोले के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला था, उसमें जीरा और हींग का छौंक लगाया, करी पत्ता डाला और उसके बाद अब मैंने ये लहसुन प्याज डाल दिए हैं बारीक चॉप्ड किए हुए, आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ ताकि छोले जो है एकदम चटपटे से बने। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, हल्दी, गरम मसाला, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे। थोड़ा सा आप पानी डाल लें ताकि मसाले जो है वो जले ना। और अगर आपके पास टमाटर नहीं भी है तो भी आप ये छोले बना सकते हैं, अगर टमाटर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है वो भी। तो मैंने टमाटर नहीं डाले हैं, मैं ऐसे ही छोले बनाती हूँ, बिना टमाटर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। छाछ में मैंने थोड़ा सा छोले मसाला डाल दिया है इसमें। अब हमारे ये जो छोले थे पानी सहित, वो मैं इसमें डाल दूँगी। पानी नहीं फेंकना है हमें छोले का, क्योंकि पानी में भी बहुत अच्छे मतलब बेनिफिट्स होते हैं उसके भी। तो इस तरह से छोले डाल दिए मैंने सारे, छोले भी अच्छे से पक गए हैं। ऊपर से मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, हरा धनिया डाल लीजिए आप ऊपर से, और आप अपने अकॉर्डिंग थिक रख सकते हैं उसको। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी वाले छोले नहीं खाना चाहते तो आप कम पानी डाल के उसको बना सकते हैं, आपके एकदम रेस्टोरेंट जैसे छोले बन के तैयार होंगे। अब हम भटूरे बना लेते हैं अपने। तो भटूरे का आटा देखिए अच्छे से फूल गया था। अब इसको मैं अच्छे, आप अपने अकॉर्डिंग शेप में बेल लीजिए इसको, लंबे लंबे जैसे
रेस्टोरेंट में होते हैं उस टाइप से। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे तल लेंगे अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से फूल गया है भटूरा हमारा। इसी तरह से आप सारे भटूरे बना के तैयार कर लीजिए और गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए, और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी ट्रिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। एक लाइक और सब्सक्राइब से किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।